हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड पुलिस थाने में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी की बैठक ली गई। पाली जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देश अनुसार आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ व तहसीलदार दीपक सांखला ने सीएलजी की बैठक ली गई, जिसमें सीएलजी सदस्यों को आने वाले त्योहारों को आपसी भाईचारा, शांति व सौहार्द से मनाने की बात कही। वहीं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने बताया कि आने वाले त्योहार को लेकर सोजत सर्कल, सोजत रोड, सिरियारी, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, बगड़ी नगर में भी आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सीएलजी की बैठक ली गई। इस मौके पर सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम, सीएलजी सदस्य अनिल कुमार व्यास, प्रकाश पालरिया, अनिल शर्मा, पूरण मारू, महेंद्र सांखला, दिलीप खाटेड़, कुंदन सिंह पवार, ओम प्रकाश वैष्णव, सलीम शेख, सत्तार खान, अब्दुल गनी सहित सीएलजी सदस्य मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, इन्होंने ये कहा। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार आगामी आने वाले 12 वफात और दीपावली के त्योहारों के आयोजन के लिए अभी सर्किल के सभी थाना क्षेत्रों में सीएलजी मीटिंग ली जा रही है और सभी सीएलजी मेम्बरान और इलाके के मौजूद लोगों से वार्ता कर 2 वर्ष का कोरोना काल जिसमें कि किसी तरह का कोई आयोजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, तो अब ये चाहते हैं कि ये सभी आयोजन पूरे अनुशासित तरीके से और मिलजुल करके भाईचारे से अच्छे तरीके से आयोजित हों, इसलिए सभी लोगों को इस संबंध में वार्ता की गई। क्या उसको हम बेहतर तरीके से करवाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इस संबंध में उनसे सुझाव चाहे गए और पुलिस प्रशासन की क्या मंशा है कि अनुशासित तरीके से और प्रेम प्यार और शांतिपूर्वक सम्पन्न हो, इस संबंध में सीएलजी मेमरान से अभी चर्चा की गई। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।